करना है। रिव्यू जोनी डिटेल पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे कैप्चर फिल करना होगा। देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं होता है तत्काल टिकट बुक करना, लेकिन जो जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ इसे आप फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस रहेगा कि आप कन्फर्म तत्काल टिकट बुक कर सकें। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलिन। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से कन्फर्म तत्काल टिकट 2023 या फिर 2024 में कैसे बुक कर सकते हैं, क्योंकि इस समय गर्मी की टाइम आ चुका है, इन दिनों तत्काल टिकट बुक करना काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे। आज के वीडियो में कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जिसे आप फॉलो करते हैं तो आप 99% है जो कन्फर्म तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो तत्काल टिकट बुक करने से पहले 1 से 2 घंटा पहले आप लोगों को IRCTC रेल कनेक्ट ऐप प्ले स्टोर से आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे यूज़र आईडी डालना होगा। तो सबसे पहले मैं यूज़र आईडी डाल देते हैं। यूज़र आईडी टाइप करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को पासवर्ड फिल करना होगा, तो हम यहाँ पर पासवर्ड भी फिल कर लेते हैं। पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कैप्चर फिल करना होगा। कैप्चर फिल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आप लोगों का यूज़र आईडी यहाँ पे वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आप लोगों को 4 डिजिट का पिन सेट करना होगा, तो यहाँ पे आपको 4 डिजिट का पिन सेट कर लेना है। यहाँ पर आप लोग फिंगरप्रिंट से भी डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं या फिर सबमिट पे क्लिक करना है। तो मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारा देख सकते हैं IRCTC अकाउंट जो है लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप समझ में आएंगे, तभी आप लोग तत्काल टिकट कन्फर्म बुक कर सकेंगे। और पेमेंट मेथड की भी बात करेंगे हम, क्या कुछ लोग यहाँ पर पेमेंट मेथड गलत सेलेक्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से वो लोग तत्काल टिकट कन्फर्म बुक नहीं कर पाते हैं, ये भी एक मोस्ट पॉइंट है। तो सबसे पहले आपको माई अकाउंट पे क्लिक करना है, इसके बाद माई मास्टर लिस्ट पे क्लिक करना है। आप लोगों को यहाँ पे ऐड पैसेंजर पे क्लिक करना है। इसके बाद जब तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आपको पैसेंजर डिटेल जो है पहले से ही आपको सेव करके रखना है। सिंपल यहाँ पे मैं नाम फिल कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको बर्थ सेलेक्ट करना है। जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आप लोगों को लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ, साइड लोअर बर्थ आपको सेलेक्ट नहीं करना है। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद ऐड पैसेंजर पे क्लिक करना है। इसके बाद देख सकते हैं पैसेंजर डिटेल ऐड सक्सेसफुली, यानी कि ये जो नाम है हमारा मास्टर लिस्ट में सेव हो चुका है। सेकेंड नाम आपको सेव करना होगा, फिर से आपको ऐड पैसेंजर पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आप पैसेंजर का नाम फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जो भी आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होगा। इसके बाद फिर से मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। इसके बाद बर्थ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप लोग बर्थ सेलेक्ट करने के बाद ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आप लोगों को पैसेंजर डिटेल पहले से आपको सेव करके रखना है। जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो एक साथ आप लोग AC या फिर स्लीपर में 4 नाम एक साथ बुक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 पैसेंजर का नाम ऑलरेडी फिल करके रख चुका हूँ। एक कोशिश आप लोगों को करना है, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करें तो 2 नाम ही एक साथ बुक करें, जिससे होता क्या है प्रोसेस में आपको कम टाइम लगेगा और तत्काल टिकट आप फास्ट बुक कर सकेंगे। जब आप मास्टर लिस्ट में पैसेंजर डिटेल फिल हो जाएगा, ये काम आप तत्काल टिकट बुकिंग करने से 1 से 2 घंटा पहले ही करके रख लेना है। जब आप ये काम हो जाएगा तो फिर से आप लोगों को बैग पर जाना है। इसके बाद आपको इसे लॉग आउट कर देना है। तो मैं फाइनली लॉग आउट कर देता हूँ। जब आप लॉग आउट कर देंगे तो लॉग आउट करने के बाद फिर से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन किस टाइम करना है, AC टिकट बुक कर रहे होंगे या फिर स्लीपर टिकट बुक कर रहे होंगे। यदि AC टाइम अगर टिकट बुक करते हैं तो आप लोगों को 9:59 में लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों का यूजर नेम ऑलरेडी पहले से सेव रहेगा, तो सिंपल आप लोग यहाँ पर पिन रख डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चर फिल करना है। कैप्चर फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है, यानी कि आपको 1 मिनट पहले लॉगिन कर लेना है। जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे AC टाइम या फिर स्लीपर टाइम, इससे ज़्यादा भी पहले लॉगिन नहीं करना है, क्योंकि अगर 3 मिनट 4 मिनट पहले लॉगिन करते हैं तो आप लोगों को पेज जो है लॉग आउट हो जाएगा, आप लोग तत्काल टिकट कन्फर्म बुक नहीं कर पाएंगे। या फिर आप सोच रहे होंगे कि यदि AC टाइम है आप लोग 11 बजे या फिर 10 बजे नेट लॉगिन करेंगे तो आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप लॉगिन भी नहीं हो पाएगा। तो आप लोग को 1 मिनट पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ट्रेन पे क्लिक करना है। इसके बाद बुक टिकट पे क्लिक करना है। इसके बाद फॉर्म स्टेशन और 2 स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद
कोटा पे क्लिक करना है। आप लोगों को ये देखना है जनरल टिकट, लेडीज तत्काल टिकट, प्रीमियम तत्काल टिकट का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप लोगों को ये देखना है तत्काल टिकट में बुक करना है हमें या प्रीमियम तत्काल में टिकट बुक करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है जिस ट्रेन में हम टिकट बुक कर रहे हैं प्रीमियम तत्काल का कोटा है या फिर नहीं है। यदि प्रीमियम तत्काल का कोटा है तो कोशिश आप लोग करें कि प्रीमियम तत्काल में टिकट बुक करें, क्योंकि IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से यदि प्रीमियम तत्काल से टिकट बुक करते हैं तो प्रीमियम तत्काल के कोटा में टिकट बुक करते हैं तो चांसेस आपको काफ़ी ज़्यादा रहता है टिकट बुक होने का। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जो नॉर्मल टिकट जो होता है, नॉर्मल तत्काल जो होते हैं, ज़्यादातर एक काउंटर से टिकट खत्म हो जाता है। अब प्रीमियम तत्काल में काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है हमें तत्काल टिकट बुक करने का, कुछ सेकेंड ज़्यादा मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे हम डेट ऑफ जर्नी पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोगों को सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। सर्च ट्रेन पे किस टाइम क्लिक करना है, यदि AC टिकट बुक करते हैं या फिर स्लीपर टिकट बुक कर लेते हैं तो आपको 9:59:10-15 में सर्च ट्रेन पर आपको क्लिक करके रख लेना है पहले से ही, इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद इस रूट में जितने भी ट्रेन होंगे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बाद जिस ट्रेन पे आपको टिकट बुक करना है उस ट्रेन को आपको सेलेक्ट करके रखना है ऑलरेडी। इसके बाद जैसे ही यदि आप AC टिकट बुक करते हैं, जैसे ही आप देखना है कि 10:01-02 होता है, आप लोगों को पहले भी सर्च पे क्लिक नहीं करना है रिफ्रेश पे, नहीं तो आप लोगों को रिफ्रेश पे ही घूमता रह जाएगा प्रोसेस पे। 10:01-02 होता है, जैसे आप लोगों को रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, जैसे ही रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को इस ट्रेन में जितने भी कोटा होंगे सीट का वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंपल क्लिक करना है, पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको प्रोसेस में कुछ टाइम लग सकता है। इसके बाद जो भी आपको मास्टर लिस्ट में नाम सेव करके रखे होंगे ये आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंपल आपको सेलेक्ट करना है, इसके बाद एक ओके पे क्लिक करना है, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी आपको मोबाइल नंबर पहले से ही सेव मिलेगा, तो आप लोगों को यहाँ पे मोबाइल नंबर एक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप चेंज करेंगे तो 4-5 सेकंड आपका बर्बाद होगा, जिसकी वजह से भी आप लोग तत्काल टिकट कन्फर्म बुक नहीं कर पाएंगे, इस बात को भी ध्यान रखना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोग को पेमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आपको कोशिश करिए आप लोग भीम UPI फ़ोनपे यूज करें जब भी आप तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं। और कोशिश रहे आप लोगों को एक IRCTC रेल कनेक्ट ऐप एक मोबाइल फ़ोन में लॉगिन हो, आप फ़ोन पे एक अदर मोबाइल फ़ोन में लॉगिन रहे, उससे क्या होगा जैसे ही नोटिफिकेशन जाता है तो आप लोगों को पिन डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम बच सकता है। इसके बाद रिव्यू जोनी डिटेल पर क्लिक करना है, रिव्यू जोनी डिटेल पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर कैप्चर फिल करना होगा। देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं होता है तत्काल टिकट बुक करना, लेकिन जो जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ इसे आप फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस रहेगा कि आप कंफर्म तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे। इसके बाद कैप्चर फिल करने के बाद प्रोसेस टू पे पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं लास्ट वाले ऑप्शन भीम UPI पे क्लिक करना है। इसके बाद देख सकते हैं दो ऑप्शन देखने को मिल गया है, भीम UPI पावर्ड बाई पेटीएम, तो यहाँ पे आपको पेटीएम सेलेक्ट नहीं करना है, सेकेंड वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना यदि आप पेटीएम से पेमेंट करते हैं तो, इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद पे पे क्लिक करना है, पे पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ टाइम प्रोसेस में लग जाएंगे, क्योंकि तत्काल टिकट बुक करते हैं तो आपको 2-3 मिनट पहले आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट बुक नहीं कर पाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे हम IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से या फिर IRCTC के वेबसाइट से हम 1-1.5 मिनट पे टिकट बुक कर ले स्लीपर में, तो ऐसा नहीं है। AC में आप लोग 1.5 मिनट तक बुक भी कर सकते हैं लेकिन स्लीपर में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सर्वर पे काफ़ी ज़्यादा लोड होता है। इस टाइम गर्मी का टाइम आ गया तो जॉब भी काफ़ी ज़्यादा और भी लोड हो जाता है। इसके बाद फ़ोन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर इंटर UPI डालेंगे, क्योंकि देख सकते इस समय जो है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप है काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो चुका है, तो यहाँ पर सिंपल मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर देख सकते UPI डाल दिया, UPI डालने के बाद सिंपल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई हो रहा है, तो यहाँ पर वेरीफाई भी हमारा हो चुका है। इसके बाद कंटिन्यू एंड पे पे क्लिक करेंगे, जैसे ही कंटिन्यू एंड पे पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन जाएगा फ़ोन पे की ओर से। तो सिंपल वहाँ पे आप लोगों को वहाँ पे फ़ोन पे पिन डालना है, इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका टिकट बुक हो जाएंगे। यदि आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से अपने मोबाइल से टिकट बुक करना चाहते हैं तो ये भी एक बेस्ट ट्रिक्स है, जिसे आप अप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेगा आप लोगों को कन्फर्म तत्काल टिकट बुक हो जाए अपने मोबाइल फ़ोन से।